कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा अच्छे रहें। और गाइस, आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ रेड कलर्स हैवी ड्रेस डिजाइंस। तो गाइस बने रहें वीडियो में, और वीडियो डिजाइंस अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस, आज के कलेक्शन में मैंने पूरा रेड कलर में ही किया है, और सभी ड्रेसेस एक से एक बढ़कर फैंसी हैवी ग्रैंड लुक में ही हैं पूरे, और सभी फंक्शनेबल पार्टी वेयर्स के ही लिए सभी ड्रेसेस को शेयर किया है, जो कि अभी फेस्टिवल्स भी चल रहे हैं और आने वाले भी हैं, जो ईद आने वाली है, जिसके लिए ज़्यादातर हैवी ड्रेसेस को ही चूज किया जाता है। और कोई भी फंक्शन में भी आप यूज कर सकते हैं, मैरिज वगैरह या कोई भी फंक्शन, तो उससे रिलेटेड मैंने सभी ड्रेसेस को सेलेक्ट करके मतलब सभी शेयर किए हैं कि आपको, आई होप कि आपको पसंद आएंगे सिलेक्शन करने में। जैसे कि जब परचेजिंग करने जाते हैं और समझ में नहीं आता है तो हमें कन्फ्यूजन होती है, तो इसके लिए हम वीडियो वगैरह देख लेते हैं कि जिससे हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो उसके रिलेटेड मैंने सभी ड्रेसेस को शेयर किया है, तो आई होप कि आपको पसंद आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सभी ड्रेसेस रिस्पेक्टेबल हैं। जैसे कि कोई कोई मेंबर्स रहती हैं, गर्ल्स रहती हैं, वुमेंस रहती हैं, जो कि स्टमक ओपन नहीं पहनती हैं और स्लीवलेस नहीं पहनती हैं, तो उनके उनके थिंकिंग के अकॉर्डिंग, जैसे कि मुझे भी नहीं पसंद है ना ज़्यादा स्लीवलेस पहनना और ये स्टमक ओपन, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी गर्ल्स रहती हैं जिनके थिंकिंग में नहीं है ऐसा पहनना, तो उनके लिए मैंने सभी क्लोज नेक मतलब पूरा का पूरा हैवी में, और सभी रिस्पेक्टेबल जो कि क्लोज ड्रेसेस हैं सभी पूरे ही, और सभी डिजाइनर हैं, एक से एक बढ़कर फैशनेबल हैं ड्रेसेस। कोई भी नॉर्मल नहीं है, जस्ट जैसे नॉर्मल होता है, जैसे ये चूड़ीदार था तो एक एक दो चूड़ीदार रहेंगे, तो उसके क्योंकि हर एक एक गर्ल्स को चूड़ीदार भी पसंद आते हैं, तो इसके लिए मैंने एक दो डाल दिए थे इसमें, शेयर किए थे, और बाकी सभी हैवी हैं और सभी एक से एक डिजाइनर हैं, एक से एक बढ़कर हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आएंगे। तो जिसमें ये रेड कलर में मैंने वाइट कलर को थोड़ा सा मिक्स किया था, मैच किया था, और बाकी सभी जो रेड कलर्स हैं इसमें थोड़ा थोड़ा गोल्डन रहेगा और एक एक हल्का हल्का कलर्स रहेगा, क्योंकि टोटली मैं कोई भी कलर्स को प्योरली नहीं करती हूँ शेयर में, कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस रहना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने सभी ड्रेसेस को सेलेक्ट किया है, और सभी आई होप कि आपको पसंद आएंगे कि मतलब जब भी मैंने मैचिंग करती हूँ तो सेलेक्ट करती हूँ, तो कभी भी मैं यही देखती हूँ कि इसमें थोड़ा सा लेस वगैरह या कुछ भी हल्का फुल्का मतलब रहना चाहिए, एकदम प्योर तो कोई भी कलर उतना खास नहीं लगता है ना, तो जैसे कि रहता है प्लेन, पर फिर भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस रहना चाहिए, मैचिंग रहनी चाहिए, लेस रहनी चाहिए। तो ये सभी जो दुपट्टास रहेंगे, तो उसमें आपका आप देख सकते हैं कि सभी में आप प्लेन रहेगा, लेकिन उसमें फिर भी एक लेस रहेगी हल्की सी, और नीचे जो पैंट रहते हैं, जो शरारास रहते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा ज़रूर दिया गया है कॉम्बिनेशन हर एक ड्रेस में, और दुपट्टास में भी पूरा मतलब पूरा का पूरा प्लान नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस दिया है सभी में, और चूड़ीदार में भी है पूरा प्लान, लेकिन उसके दुपट्टा में देख लीजिए आप डिजाइंस बने थे, और लेस के को मतलब चूज किया था मैंने और मैच किया था, और इसमें जो बैक में गया उसमें प्लेन है, लेकिन उसमें फिर भी थोड़ा सा लेस दिया है मैंने, और इसको भी रेड है लेकिन इसमें डॉट डॉट है, थोड़ा सा प्रिंटेड है, हल्का सा प्रिंट नहीं है, लेकिन वो क्लॉथ ही इस टाइप का है जिसमें थ्रेड वर्क रहता है, अकोबा डिजाइंस बोलते हैं, लेकिन अकोबा थोड़ा सा और अलग है, हटके है थोड़ा सा, पर इसमें लुक थोड़ा सा वैसा ही लगता है, जैसे कि ये देखिए अकोबा डिजाइंस रहते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये प्रिंटेड जैसा दिखता है, लेकिन ये सभी थ्रेड वर्क रहते हैं, और ये है प्लेन है, लेकिन फिर भी इसमें मैंने थोड़ा सा लेस को मैच किया था, लेकिन हैवी इसका जो सलवार पैंट है जो हैवी है शरारा, तो इसके अकॉर्डिंग ये अच्छे लगते हैं, एक दो
ड्रेसेस मैंने जस्ट प्लान किए थे और सिंपल से चूड़ीदार, बाकी सभी ग्रैंड में ही किए हैं। और ये देखिए कि ये भी प्लान है, लेकिन अकोबा लुक में इसका जो टॉप है वो सभी अकोबा लुक में है। अकोबा लुक आप जानते होंगे शायद, में ये क्लॉथ और ये डिजाइन अकोबा डिजाइन आपने सुना होगा, क्योंकि जिनको कपड़ों की बहुत नॉलेज रहती है उन्हें पता रहता है। और ये देखिए कट वर्क है, ये कट वर्क आपने शायद सुना हो और देखा हो, जानते हो। तो जो कट वर्क रहता है ड्रेसेस पर, जो कैसे बताऊँ मैं आपको, और कपड़े के ऊपर ऐसे जैसे वेलवेट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये कट वर्क बना हुआ होता है, बहुत ही सुंदर लगता है ड्रेसेस। और ये देखिए प्लान में मैंने थोड़ा सा दुपट्टा में लेस को यूज किया है, और इस टॉप में अपर थोड़ा सा अपर में लेस को यूज किया है, और ये भी प्रिंटेड लुक में लग रहा है, लेकिन ये कट वर्क है। और क्योंकि मैं ही सेलेक्ट करती हूँ, मैं ही चूज करती हूँ, मैचिंग करती हूँ, तो मुझे पता रहता है कि ये कैसा कैसा है। तो ये आप फ्रॉक कहते हैं कि फ्रॉक सूट रहता था पहले, ये अनारकली लुक में रहता है, लेकिन अभी इसको शरारा के साथ में मैच कर दिया गया है। तो अभी ये अनारकली के साथ में शरारा दे दिया है, तो ये हैवी ड्रेस बन जाता है। जैसे कि अनारकली ड्रेस जस्ट प्लेन नॉर्मल रहता था, उसमें लेगिंग्स डाल देते थे, उतना हैवी नहीं रहता है। लेकिन जब ये फ्रॉक सूट कहते हैं फ्रॉक की तरह रहता है और उसमें शरारा डालते हैं, तो ये हैवी बन जाता है। और इसमें देखिए हैवी इसका जो शरारा है, उसका जो कटिंग का ड्रेस कटिंग का जो क्या है टॉप है जो इसका, वो कटिंग का है लेकिन हैवी है पूरा। और ये भी इसका जो शरारा है वो सभी हैवी है। और इसका देखिए फ्रॉक लुक में है, लेकिन फ्रॉक के साथ में बड़ा हैवी शरारा दिया हुआ है, तो एकदम हैवी ग्रैंड लुक बन जाता है। और ये प्लान है, लेकिन इसका जो पेंट है उसको हैवी बना दिया गया है, तो इसकी अकॉर्डिंग ही बहुत ही सुपर डुपर लगते हैं, एक से एक बढ़कर लगते हैं। तो आई होप कि आपको सभी डिजाइंस अच्छे लगेंगे। और जिनको फैशन का पता रहता है, डिजाइंस का पता रहता है कि मतलब डिजाइनर कपड़ा कैसे रहते हैं और फैशनेबल कैसे रहते हैं, तो उन्हें समझ में आ ही जाता है। और ये देखिए ये स्लीवलेस है, लेकिन इसका मैटर नहीं करता है कि आप स्लीवलेस ही पहने, आपको चाहिए तो आप इसको स्लीव अटैच कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पैटर्न है मैंने एक दो इसलिए डाल दिए क्योंकि किसी किसी को पसंद आते हैं, पर बाहर जाना है तो हमेशा कुछ लोग तो मतलब ऐसे ही चले जाते हैं। तो आई होप कि आपको स्लीवलेस नहीं पसंद है तो आप स्लीव अटैच कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी पूरा ड्रेस तो पूरा हैवी है, और सभी मैंने स्लीव्स फुल स्लीव्स के ही डाल शेयर किए हैं पूरे ड्रेसेस, जो कि आपको दिखाई दे ही रहेंगे, आपको पता ही चल रहा है कि सभी फुल स्लीव्स के हैं। और ये ईद को बहुत अच्छे से आप पहन सकते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे इंशाल्लाह। और उससे रिलेटेड ही मैंने शेयर किए हैं, और कोई भी पार्टीज में भी पहन सकते हैं और नॉर्मल भी पहन सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सभी ड्रेसेस को मैंने शेयर किया था। तो आई होप कि आपको ड्रेसेस पसंद आएंगे, और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइस मेरी वीडियो अपलोडिंग का टाइमिंग है 4 o'clock आफ्टरनून, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।